आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। खुद के अपहरण की साजिश रचने तथा परिवारजनों से 50,000 की फिरौती मांगने वाले शातिर अपराधी राजेंद्र कुमार गौड़ को शाहपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया घटना का सनसनीखेज खुलासा। गोरखपुर में बुधवार को नहीं मिले कोई नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,346। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 41वें एक्टिव मरीज सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। बकरीद पर्व के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर एसपी सिटी ने मुस्लिम समाज और आम नागरिकों के प्रति जताया आभार, दी मुबारकबाद। त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा पर ईदगाहों और मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुआ नमाज। कोरोना वायरस से मुक्ति, मुल्क की तरक्की और सुख शांति की मांगी गई दुआ। ऑपरेशन 15 के तहत बांसगांव पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। 150 नशीली गोलियों को किया बरामद, भेजा जेल। बुधवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित विभिन्न केंद्रों पर 11,013 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,591 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,422 लोग रहे शामिल, नहीं हुई कोई दिक्कत। और शासन के निर्देश पर बुधवार को भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहा नाइट कोरोना कर्फ्यू। एसपी सिटी ने कहा, कोरोना के संभावित तीसरे लहर से बचने के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित।